एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स का रेफरेंस मल्टीवेरिएट कैलकुलस यानी कि मोर देन वन वेरिएबल के केस में आता है। सपोज कोई इक्वेशन है इस फॉर्म में यू एक्स वाई डी एक्स प्लस वी एक्स वाई डी वाई, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, u और v x y के फंक्शंस हैं। तो अगर हम इसको किसी सिंगल वेरिएबल में इस तरीके से कन्वर्ट कर ले dq, q यहाँ पे एक स्केलर फंक्शन है, तो हम इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलेंगे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल की खास बात क्या है, सपोज हम इसको x1 y1 पॉइंट से दूसरे x2 y2 पॉइंट तक इंटीग्रेट करते हैं सपोज इसको, तो जो इसकी वैल्यू है बेसिकली वो पाथ इंडिपेंडेंट होती है। यहाँ पे पाथ का मीनिंग देखिए, दो वेरिएबल्स हैं y और x, तो यहाँ पर दो पॉइंट्स अगर हम ले x1 y1 p1 है, x2 y2 p2 है, तो p1 से p2 इंटीग्रेट करने में हम कई तरीके से यहाँ पे जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। तो रिलेशनशिप कोई भी हो, चाहे हम यहाँ से जाएं, चाहे यहाँ से जाएं, चाहे यहाँ से जाएं, इसकी वैल्यू सेम आएगी अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। फॉर एग्जांपल हम इक्वेशन लेते हैं x dy प्लस y dx। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं dxy। अब देखिए अगर हम u मान लें एक्स वाई है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा du। अब इसका इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं, मान लिया, तो यहाँ से x1 y1 से x2 y2 जाने में हमको पाथ का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, हम सीधे सीधे यहाँ से u1 मीन्स x1 y1 से x2 y2 जा सकते हैं। तो ये जो लाइन इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये बेसिकली पाथ इंडिपेंडेंट होता है अगर यहाँ पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है।